दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसा फ़ोन लेके आया हूँ जो कि एक ऑलराउंडर फ़ोन है। चाहे आप हैवी गेम खेलते हो या आपको वीडियो शूट करना ज़्यादा अच्छा लगता हो या आप सेल्फी ज़्यादा खींचते हो या आपकी प्रायोरिटी हो मल्टीटास्किंग, आप कुछ भी कर लो, हर फ़ोन से वो फ़ोन ऑलराउंडर दिखता है। तो चलिए शुरू करते हैं, मैं बताता हूँ उस फ़ोन के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये फ़ोन आप 12,000 रुपये से कम की कीमत पर खरीद सकते हो। तो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, जिस फ़ोन की मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम है Redmi Note 8 Pro। जी हाँ दोस्तों, इस फ़ोन की प्राइस 15,999 रुपये है फ्लिपकार्ट पर, लेकिन आप इसको 12,000 रुपये में कैसे खरीद सकते हो जी मैं आगे आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, इस फ़ोन को आप 12,000 रुपये से कम की प्राइस पर कैसे खरीद सकते हो जी मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊँगा। उससे पहले मैं उसकी कुछ स्पेसिफिकेशन के बारे में बताता हूँ। अगर इसकी डिस्प्ले की बात की जाए तो इसमें हमें 6.53 इंच की फुल HD IP डिस्प्ले मिलती है जो कि एक बटर ड्रस नॉच के साथ आती है और जिसमें हमें गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन भी मिलती है। तो देखा जाए तो इसकी डिस्प्ले काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, बड़ी भी है, जिसमें आप गेमिंग करते टाइम काफ़ी इंजॉय करेंगे। अगर आपकी प्रायोरिटी वीडियो देखना है तो इसमें काफ़ी अच्छी वीडियो चलेंगी। अब हम बात करते हैं इसके कैमराज की, तो इसमें हमें क्वाड कैमरे का सेटअप देखने को मिलता है जिसमें हमें प्राइमरी कैमरा 64 मेगापिक्सल का मिलता है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल मिलता है, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है प्लस 2 मेगापिक्सल का माइक्रो कैमरा है। अगर हम इसकी फ्रंट कैमरा की बात करें तो इसमें हमें 20 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है जो कि एक काफ़ी ज़्यादा अच्छी सेल्फी खींच के हमें देता है। दोस्तों, अगर हम इसकी प्रोटेक्शन की बात करें तो इसमें हमें फ्रंट डेक बैक दोनों में गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन मिलती है क्योंकि ये फ़ोन ग्लास पैनल के साथ आता है। दोस्तों, अगर हम इस फ़ोन की बैटरी की बात करें तो इसमें हमें 4500 की बड़ी बैटरी देखने को मिलती है और अच्छी बात यह है कि इसमें हमें फास्ट चार्जर देखने को इस बॉक्स के अंदर मिल जाता है जो कि एक 18 वाट का फास्ट चार्जर है जिससे हमारी बैटरी काफ़ी जल्दी चार्ज हो जाती है। तो आप कितना भी गेम खेलो, कितनी भी वीडियो ही देखो, आपको बैटरी की दिक्कत बिल्कुल नहीं आएगी इस फ़ोन के अंदर। दोस्तों, इस फ़ोन का सबसे पॉजिटिव पॉइंट है इसका प्रोसेसर। जी हाँ दोस्तों, इस फ़ोन में हमें MediaTek का हीलियो G90T का प्रोसेसर मिलता है जो कि एक काफ़ी बड़ा प्रोसेसर है जिसमें हमें अच्छी गेमिंग देखने को मिलती है। चाहे आप कितना भी हैवी गेम खेलो, कितना भी मल्टीटास्किंग करो, हमें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। मैं आपको अभी कुछ टाइम में बताता हूँ कि आप इसे 12,000 रुपये से कम की कीमत में कैसे परचेस कर सकते हो। दोस्तों, अगर हम इसकी कलर की बात करें तो इसमें हमें 4 कलर पैटर्न देखने को मिलते हैं जो कि हैं इलेक्ट्रिक ब्लू, गामा ग्रीन, हेलो वाइट और शैडो ब्लैक। दोस्तों, ये फ़ोन हमें 3 वेरिएंट में देखने को मिलता है जो कि है 6GB 64GB, दूसरा वेरिएंट है इसका 6GB 128GB और इसका जो तीसरा वेरिएंट है वो हमें 8GB 128GB देखने को मिलता है। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप इसे 12,000 रुपये से कम की कीमत में कैसे खरीद सकते हो। दोस्तों, आप इस फ़ोन को 12,000 रुपये से कम की कीमत में इस तरह से खरीद सकते हो। आपको ये फ़ोन फ्लिपकार्ट से परचेज करना होगा। इसकी जो रियल प्राइस है वो 15,999 रुपये रखी गई है, लेकिन आप वहाँ पर एक ऑफ़र आया हुआ है जिसका नाम है एक्सचेंज ऑफ़र। मतलब ये कि अगर आपके पास कोई पुराना फ़ोन पड़ा हुआ है जिसको आप बिल्कुल भी यूज नहीं करते हो या वो काफ़ी ज़्यादा पुराना हो चुका है जिससे आप बोर हो चुके हो, तो आपको उसके बदले इस फ़ोन को बाई करना होगा और आपके फ़ोन की फ्लिपकार्ट अच्छी कीमत देगा, तो ये फ़ोन आपको 12,000 रुपये की कीमत में मिल सकता है। और अगर आपके पास एक्सिस बैंक का कार्ड है तो जब आप उससे पेमेंट करोगे तो प्लस वहाँ पे आपको 5% का डिस्काउंट और देखने को मिल जाएगा। तो ये फ़ोन मैं कहता हूँ आपको 10,000 रुपये से थोड़ा ऊपर मिल जाएगा। तो इस प्राइस रेंज पर ये फ़ोन काफ़ी ज़्यादा अच्छा निकल के नज़र आता है और इस प्राइस पे हमें कोई और फ़ोन इतनी स्पेसिफिकेशन नहीं दे सकता। तो मैं कहता हूँ काफ़ी अच्छी डील है, जल्दी से आप देख लो। और अगर आप थोड़ा वेट कर सकते हो तो 1-2 दिन में फ्लिपकार्ट पे सेल ओपन होने वाली है जिसमें ये फ़ोन आपको और अच्छी कीमत में देखने को मिल जाएगा। इस फ़ोन को ख़रीदने का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाके इस फ़ोन को परचेस कर सकते हो। काफ़ी अच्छी डील है, बिल्कुल भी मिस मत करना। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी होगी, इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी। अगर जब मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें
और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। दोस्तों लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि शायद आपका कोई मिलने वाला हो, कोई दोस्त हो जिसको कोई फ़ोन परचेज करना हो, तो आप उसे वीडियो शेयर कर सकते हो, शायद उसके काम ये वीडियो अच्छी तरह से आ जाए और वो एक फ़ोन अच्छी कीमत में ले सके। तो दोस्तों फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।